मैं मतलब आपको उनको सर को सर का नाम बता रही हूँ, एस सी टीचर अकेडमी और गुरुजी बर्ड के सिद्धार्थ सर और अध्ययन मंत्रा के रोहित वेदवान सर। तो मतलब मैं इन तीनों से पढ़ती हूँ और इन टेस्ट के लिए तो मैंने सिर्फ एस सी टीचर अकेडमी को पढ़ा था, जिनको मैं लिंक में मतलब डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर सीक्रेट में हैं, तो प्लीज़ उनकी वीडियो जरूर देखें। सांस्कृतिक में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो बताएंगे दोनों बातों में से कौन सी बातें। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने ऐसे टीचर अकेडमी सीधा उनसे शादाब सर से पढ़ रही हूँ और सर सच में मतलब वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और संस्कृत के लिए मैंने गुरुजी वर्सी सिद्धार्थ सर से पढ़ रही हूँ और उनका ही वीडियो देख के मैंने लास्ट टाइम मतलब पास किया है एग्जाम वगैरह। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सच्ची बात तो ये है कि मतलब विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी बुक्स, ऑनली मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने ये 2-3 टेस्ट पास किए हैं। तो उसके लिए मैं आपको यही बता रही हूँ और वीडियो को पूरा देखना, आगे मैं आपको अपने डिटेल बताऊँगी। आज आपको मैं अपनी मतलब धन दिखाऊँगी, अपना विद्याधन दिखाऊँगी, तो वो ज़रूर देखना। और मतलब बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पूरा घर का काम है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको भी मैं ही पढ़ाती हूँ। अभी ट्यूशन उसकी नहीं लगवाई और एक टीचर आए थे तो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको भी मैं पढ़ाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और अब साथ साथ वीडियो भी बनाने लगी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो आप देख, और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको वही समझा रही हूँ पढ़ के, उसको बहुत अच्छे से बताना पड़ता है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैंने मतलब क्या क्या किया है अपना पढ़ाई में और किस चीज़ की कौन सा टेस्ट मैंने पास किया है, क्या नहीं किया है, तो वो आपको उस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो ये समझ लो लोग कोचिंग करते हैं, मतलब 2-3 कोचिंग करके उन्होंने पास किया है एग्ज़ाम को, सी टैट और यू पी टैट, और मैंने सिर्फ यूट्यूब के जरिए ही मतलब मैंने पास किया है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। तो देखो, ये सब है मेरी अमानत। तो मैं वीडियो मतलब मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ जैसे आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस चीज़ की मतलब तैयारी कर रही हूँ, किस चीज़ का मेरा टेस्ट है। तो वो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, एग्ज़ाम आने वाला ही है इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको अभी बता दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम हो ही जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। और तो ये तो हाई स्कूल इंटर, तो इनको तो दिखाना बेकार है, तो इनको नहीं दिखाना है। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरी बी ए की है, ये मैंने बी ए किया था, उसकी मार्कशीट है और 3 साल का बी ए रहता है, सबको पता है। तो ये 3 साल का बीए का है, एक पता नहीं कहाँ चली गई, एक नहीं पता है, इसी में होगी, फाइल में ही होगी। मैं फ़ाइल लाई थी छत पे आज, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। और हाँ, ये बीए की ये भी है और ये मेरी एमए है, ये दो मेरी एमए की हैं जिसको मैंने अभी लेमिनेशन भी नहीं कराया। और मैंने आज फाइल से निकाला तो मुझे लगा बताओ मैंने इनको लेमिनेट ही नहीं कराया है, तो मैं इनको लेमिनेट भी करा लूँगी। और अब देख लिया है तो लेमिनेट भी करा लूँगी भाई, ज़रूरी है, ये ज़िंदगी की अमानत है, ये कमाया है मतलब पढ़ा है इतना, तो ये एमए की है। लेकिन सच बताऊं अभी कोई फ़ायदा नहीं है इस पढ़ाई का, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये है मेरी मेन डिग्री जो मेरी बीएड की है, पता नहीं आप लोगों का दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। तो ये मेरा बीएड का है। और तो बीएड के बाद जैसा कि अभी मतलब सभी लोगों को पता होगा टैट और सी टैट निकालना पड़ता है, तो वो भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये मेरा टैट का है, ठीक है, और एक ये मेरा सी टैट का है। तो ये दोनों प्राइमरी के हैं, एक और है वो कागज़ मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। तो 3 बार टेस्ट पास कर चुके हैं, तो 4थी बार ये टेस्ट है। और जूनियर का भी मेरा क्रॉस नहीं है, क्लियर नहीं है वो वाला टेस्ट। तो क्योंकि अभी तक बीएड प्राइमरी में था तो प्राइमरी की तैयारी कर रही थी, और लास्ट टाइम मैंने जूनियर का दिया था तो वो मेरा नहीं हो पाया, 5 नंबर से रह गया था। तो मैंने कहा चलो इस बार फिर से ट्राई करते हैं, बस आप लोग प्रे करो कि मेरा इस बार जूनियर का निकल जाए टेस्ट और फिर मैं सुपर टेट की तैयारी करूँ। तो और मेरा सपना जो है टीचर बनने का, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो मेरा पूरा हो, जो मैंने बहुत छोटे से ये सपना देखा था। बहुत मुश्किल से मेरा बीएड हुआ है, अगर मैं आपको ये स्टोरी बताने बैठ जाऊँ तो बहुत मुश्किल से मेरी बीएड हुई है, सच में बहुत मुश्किल से। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन सच बताऊँ तो मतलब इन टेस्ट का पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा कहीं जॉब का कुछ नहीं हुआ है और कुछ अता पता नहीं है आगे जॉब होगा या नहीं होगा, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ, यूट्यूब के फील्ड में। तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, बट
अभी मुझे आप लोगों का इतना प्यार नहीं मिल रहा है लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। सच में आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मेरे पास मतलब मेरे रिलेशन में सभी लोगों के मोस्टली फ़ोन आते हैं कि आपके इतने जल्दी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आपका पैसा भी आने लगा होगा, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो में मेरा सपोर्ट करते हैं वैसे ही लॉन्ग वीडियो में सपोर्ट करें। और हाँ, मैं बता दूँ कि इस पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि सबको पता है कि हर घर में काम होते हैं, तो घर का काम भी करना पड़ता है, प्लस बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है और प्लस अपना भी पढ़ना पड़ता है और प्लस और भी किसी से बात करना, कहीं कुछ मतलब लगा ही रहता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सब के बाद फिर वीडियो बनाना, उनको एडिट करना, सब कुछ अभी खुद से ही हैंडल करना है, तो मेहनत तो पड़ती ही है। लेकिन आप लोग इसको अभी नहीं समझ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं अभी समझ रहे हैं। थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और मैं ये छोटा सा वीडियो है सिर्फ मतलब ये बताने के लिए कि मैं मतलब पढ़ भी रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी कर रही हूँ। रात में 12:30 बज जाता है, सुबह उठ जाती हूँ 5:30 उठ जाती हूँ सुबह, तो सुबह तो नहीं पढ़ पाती हूँ और दिन में पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ। खाना बनाऊँगी तो भी मेरा फ़ोन चलता रहेगा, ईयरबड लगे रहेंगे मेरे कान में, कोई भी काम करूँगी तो ईयरबड लगे रहते हैं मेरे कान में। लगभग हो रहा है, मेरा पढ़ाई काफ़ी चल रहा है, बस भगवान इस पर मेरा जूनियर का टेस्ट निकल जाए, जूनियर का सीटेट निकल जाए। तो आप सभी लोग थोड़ी सी प्रे कर लेना एक बार, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये सीटेट जूनियर का निकल जाए। प्राइमरी के तो मैंने 3 बार निकाल लिया था, क्योंकि पहले प्राइमरी ही चाहिए था तो प्राइमरी की तैयारी करी थी, लेकिन अब प्राइमरी अब बिल्कुल बेकार हो गया, तो ये मेरे किसी काम के नहीं है तीनों मार्कशीट, तो अब जूनियर की तैयारी करना है, भगवान इस बार मेरा। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने टेस्ट पास किए हैं, मैं मतलब आपको उनको सर का नाम बता रही हूँ, एसी टीचर अकेडमी और गुरुजी वर्ल्ड के सिद्धार्थ सर और अध्ययन मंत्रा के रोहित वैद्यवान सर, तो मतलब मैं इन तीनों से पढ़ती हूँ। और इन टेस्ट के लिए तो मैंने सिर्फ एसी टीचर अकेडमी को पढ़ा था, जिनको मैं लिंक में मतलब डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर सीटेट में हैं, तो प्लीज़ उनके वीडियो ज़रूर देखें। ये जो फर्स्ट पेपर है, उनके एक वीडियो से मेरे 60 नंबर उन्हीं की एक वीडियो से मेरे आए थे, सच में मतलब बहुत अच्छी उनकी टैग वर्ड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको लिंक में दे दूँगी, और एसी टीचर अकेडमी है, आप लोग एक बार सर्च करें उनको और उनका ये वीडियो ज़रूर देखें। और संस्कृत पढ़ने के लिए आप गुरुजी बर्ड में सिद्धार्थ सर को पढ़ें, बस यही दो सर मुझे बहुत अच्छे लगे। और रोहित वेदवान सर भी बहुत अच्छे हैं, अध्ययन मंत्रा के, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मुझे ये 3 टीचर समझ में आए हैं, 3 चैनल समझ में आए हैं, बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब संस्कृत मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, मेरे पास कभी भी नहीं थी। मतलब हाई स्कूल इंटर बस 8th तक रहा है, वो कंपलसरी रहा है, लेकिन मेरे स्टैट में ये सिद्धार्थ सर का पढ़ के मैं गई थी। और मेरे जो मैं पिछली बार भी मैंने दिया था, जूनियर का बहुत टफ आता है पेपर, तो उसमें भी मेरे 22 मार्क्स आए थे उसमें संस्कृत में। और समझ लो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ सर का पढ़ाया हुआ वीडियो ही देखा और मेरे उसमें 22 मार्क्स आए थे। और CDP में भी अच्छे आए थे, बस SST की वजह से रुक गया है, और इस बार देखते हैं भगवान, बस इस बार क्लियर हो जाए, आप लोग प्रे करना। और हाँ, अगर आप लोग सीटेट कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम आपको देना है, तो ऐसे टीचर अकेडमी पे जरूर जाएं, जरूर पढ़ें। और संस्कृत अगर आपने ली है 2nd पेपर में, तो आप गुरुजी वर्ड के सिद्धार्थ सर से पढ़ें। तो चलो, छोटा सा ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और आगे वीडियो देखने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।